नमस्कार साथियों साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, दो दिन में जितने भी आपने जो है हमारे चैनल पर के जो वीडियोस हैं उन पर जो कमेंट्स किए हैं उनके जवाब मैं देने वाला हूं। आपने जो प्रश्न किए हैं या जो भी सलाह दी है, जो भी कहा है, आपने जो भी पूछा है, उनके जवाब जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। जो भी पूछा, अगर आपने कोई भी कमेंट किया है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने कमेंट किया है या कोई प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब मिल जाएगा। दो दिन के कमेंट की बात कर रहा हूँ मात्र मैं, कितने दिन के, दो दिन के कमेंट जो भी किए हैं आपने, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट 20 मिनट पहले ही किया था, किसी तरगवा म्यूजिकल ग्रुप भाई ने किया था, भरतपुर में कब मिलेगी। तो भरतपुर में जो है अभी तक टाइम लगने वाला है भाई साहब, मई तक मिलने की संभावना लगती है, ठीक है ना। सोनू सिकंदर सोनू बोल रहे, सर स्कूटी का मेरे पास हीरो मेस्टो का स्कूटी खरीदने का मैसेज आ गया है, क्या सर मेरी स्कूटी कंफर्म है? जो बिल्कुल है, अगर आपके मैसेज आ गया तो बिल्कुल आपकी स्कूटी कंफर्म है भाई साहब, ठीक है ना। सोनू सिकंदर जी, एकता कुमारी जी बोल रहे और डेट आगे बढ़ेगी, अब फॉर्म स्टेटस कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, स्कूटी मिलने आ रही है और आप बोल रहे कि तारीख आगे बढ़ेगी, अब नहीं बढ़ेगी, है ना। स्कूटी तो मिल चुकी, मिलने वाली, आप कुछ नहीं है ना। अब आप अगली वैकेंसी जो है, अगले फॉर्म जो भी योजना का वेट करें। आसिफ खान भाई, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ पर मुझे नहीं मिली, 50% विकलांग हूँ भाई, मुझे अब नहीं मिलेगी क्या? देखिए, अब नहीं मिलेगी, अगर बच्चे की तो मिलेगी, ठीक है ना। कहीं नहीं चल रहा हूँ। अगला कमेंट है जिद्दी कुमार जी का, बताओ दोस्त कब तक मिलेगी? तो ये बहुत जल्द मिलने वाली है आपको, है ना। आप किस जिले से हो ये कमेंट बताओ, तो जो है बहुत जल्द आपको मिलने वाली है जिद्दी कुमार। और रिमार्क्स में रेफरेंस नंबर हैज बीन जनरेट बता रहा है, तो अभी तक थोड़ा और टाइम लगेगा आपको, है ना। तो बिल जनरेट एप्लीकेशन स्टेटस में स्कूटी अमाउंट बिल प्रीपेड बता रहा है, तो आप स्कूटी मिलने वाली है आपको, नो टेंशन रहिए आप जिद्दी कुमार जी, है ना। क्या होगा, कब मिलेगी? बहुत जल्द मिलेगी, डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए 3 महीने हो गए। अच्छा, सुखराम जी महावर सर नागौर में कब मिलेगी? अभी तक स्कूटी का मैसेज नहीं आया है। देखिए, स्कूटी मैसेज नहीं है तो अब आ जाएगा, ना देखो फिर, है ना, क्योंकि संभावना कम लगती है। गजमल दास जी बोल रहे, भीलवाड़ा में स्कूटी की मेरिट में आ रहा हूँ, स्टेटस दिखा रहा है ई रुपेश टी भेजा गया। अच्छा, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, निश्चित रहिए। कब जोधपुर, जोधपुर में कब मिलेगी? जोधपुर में बहुत जल्द मिलने वाली है, बहुत जल्द मतलब कि अप्रैल के एंड तक मिलेगी। दौसा में कब तक मिलेगी? ये मई तक जाएगी दौसा में, तो जाएगी। करौली में कब तक मिलेगी? तो मार्च के एंड तक। MD में आता हूँ। अच्छा, आप MD में आते हैं, अच्छा क्या बात है। तो फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, है ना। हीरो मैसेज का आ गया SMS, हीरो को 26 दिन हो गए हैं, अब आगे क्या होगा बताएं? मैसेज आ गया था, अब स्कूटी मिलेगी राकेश कुमार जी, है ना। शेखाराम ब्राजी जी कोई भाई साहब बोल रहे, बीकानेर में कब मिलेगी? तो मार्च के एंड तक। रहमान काटक जी का जो है, भाई अजमेर में कब मिलेगी? अजमेर का बताना यार भैया। तो देखिए रहमान जी, अजमेर में जो है आप अप्रैल से पहले तो उम्मीद मत रखिए, है ना। हाँ, अप्रैल तक मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलाश मालवीय सोलंकी जी, RJ30 कब मिलेगी? RJ30 में जो है देखिए मार्च के एंड तक, लगभग 15-20 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। सवाई माधोपुर में थोड़ा मई तक चली जाएगी, है ना। आपको जानकारी बताए चूरू जिले वाले को जो है, देखिए अप्रैल से तक में सब, मई तक तो सबको मिल जाएगी, है ना। आपका नंबर भेजो, मंगला हीरो मेस्टो का मैसेज आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाड़मेर में कब मिलेगी? तो टाइम लगेगा इसमें, है ना। कोटा में कब मिलेगी? कोटा में स्टेटस देखिए, जितना भी मैं बता दूं भाई, बताओ कोई, मेरा LD और बजट बेचा है, मैं MD कैटेगरी में आऊँगा क्या? प्लीज बताओ कोई, बिल्कुल आएगा। आप हेमंत मंडा जी, आप बिल्कुल जो है LD कैटेगरी और HI में अगर आपके मिक्स हैं तो MD कैटेगरी में आएंगे। सर आपके नंबर दो प्लीज़, कोई तो MD का मतलब बताओ। MD का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। अगर आप में दो विकलांगता है, LD है, HI है, HI प्लस BL है, कुछ भी दो विकलांगता अगर आप में है तो आप MD में आएंगे, है ना। मल्टीपल डिसेबिलिटीज का मतलब होता है, कोई बताओ तो, मैंने बता दिया हेमंत जी, है ना। सर आपके नंबर दो प्लीज़, मेरे पैर टेढ़े हैं और मेरी हाइट छोटी है, तो मैं कौन सी कैटेगरी में आऊँगा? तो देखिए, ज़्यादा आपसे सेरेब्रल पाल्सी CP LD कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। DV हो दिसंबर में करवाया है, अच्छा क्या मिलेगी स्कूटी? बिल्कुल मिलेगी ना। राकेश रमन खरी जी बोल रहे, 200 नंबर जनरल की भी नहीं जाएगी तो, लेकिन विकलांगों की जाएगी, आप देखना, है ना। सर स्कूटी का मैसेज नहीं आया नागौर से, 180 में होगा, OBC LD का नेगेटिव थी भाई साहब, बिल्कुल 180 का खराब हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेवल 2 SST दिव्यांग 140 नंबर, तो देखिए
लेवल टू में तो हो जाएगा आपका, है ना, अगर आप दिव्यांग और SST है तो कोई बात नहीं, बात नहीं जाएगी क्योंकि फर्स्ट बार नेगेटिव ही और इतना तो गई थी जब। उसके बाद आरजे जयपुर वाले जो भैया है वो जो है बोल रहे हैं, एक मिनट थोड़ा स्वैप हो गया था ना, बात नहीं जाएगी क्योंकि फर्स्ट बार नेगेटिव था और इतना तो तब गई थी जब नेगेटिव नहीं थी और पोस्ट पहले से ज़्यादा है। इस बार मेरा आइडिया लेवल फर्स्ट में 50-55% तक रहेगी, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाएगी, इम्पॉसिबल है। हाँ अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है ना। 200 OBC की भी नहीं जाएगी, LD OBC 150 जाएगी। अच्छा ब्रो हर स्टेट की पोस्ट बताए करो। अच्छा हर स्टेट की भी जानकारी लेनी पड़ेगी, है ना, अंदाजे तो हम बता नहीं सकते, है ना। उसके बाद